पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। मैं प्रोफेसर डॉक्टर फातिमा महबूब हूँ। मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से जो है ग्रेजुएशन की थी और यूनिवर्सिटी पोजीशन होल्डर हूँ। गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है मुझे। मेरा ज़्यादातर जो पैशन है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में मैं पढ़ाती रही हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छे एक ही पोस्ट भी इंजॉय किए हैं, लाइक डिप्टी डीन, डीन, प्रिंसिपल, सुपरवाइज़र, कन्वीनर, एग्जामिनर, और ये सारा मेरा शौक है। आज आपको पता कि एक अरसे से हम हेल्थ के साथ हैं और बहुत सारे पेशेंट्स देखते रहते हैं, उसमें कुछ जो है कॉमन बीमारियां जो कि मैं चाहती हूँ कि पब्लिक अवेयरनेस हो। आज मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो ये है कि हमारी जो पेट में गैस बहुत बनती है, डिस्कम्फर्ट होती है, ब्लॉटनेस की फीलिंग है, या बहुत ज़्यादा डकार आते हैं जिसको हम बेल्चिंग भी कहते हैं। इसमें कुछ मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं, कुछ पेशेंट का वरी भी है, कुछ यह है कि सोशली एम्बैरेसमेंट भी होती है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अबाउट हाफ लीटर टू वन लीटर तो नॉर्मली सब लोग पास करते हैं, ठीक है। दिन में 5 से 15 दफ़ा जो है गैस थोड़ी बहुत पास करते हैं, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त आता है जब ये बहुत स्मेली ना हो, या ये है कि बार बार ऑड टाइम्स हमें ऑड पोजीशन में ना ये करे तो परेशानी होती है, या कुछ अलामात ऐसी हैं कि अगर इसके साथ जो है हमें पेट में दर्द भी हो रहा है, कभी हमें कब्ज हो रहा है, कभी हमें डायरिया लग जा रहा है, या स्टूल के साथ यानी पखाने के साथ जो है ब्लड भी आना शुरू हो गया है, या यह है कि इसके साथ कोई और बीमारी नुमाया हो रही है, लाइक आपको वीकनेस ज़्यादा हो रही है, वज़न कम हो रहा है, रंग पीला पड़ रहा है, तो फिर आपको जो है पूरी तहकीकात करनी चाहिए। नॉर्मल ये होता है कि हर इंसान का एक मुख्तलिफ है। कुछ लोग बड़े आराम से हज़म कर लेते हैं, कुछ का नाजुक मैदा होता है, हर चीज़ को हज़म नहीं करता। लेकिन कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं, लाइक अगर आप गोभी खाते हो, कुछ को आलू से भी हो जाता है, लोबिया है, काबली चने हैं, छली है, मूली है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनमें फाइबर की मकदार ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो हज़म करनी मुश्किल हैं। लेकिन यहाँ मैं एक और बात आपके जहन में लाऊं कि जिस तरह हम मरीज़ों को कहते हैं कि जी आप हाई फाइबर डाइट लो ताकि जो है आपका हाजमा ठीक रहे, हाई फाइबर डाइट कॉन्स्टिपेशन से भी बचाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम रखती है, तो साथ ही हज़म करनी भी मुश्किल है, फिर क्या किया जाए। एक तो यह है कि इनकी मकदार कम लें, आप फ्रीक्वेंट मील्स ले लें, यानी अगर दिन में 3 दफ़ा है तो आप 5 दफ़ा कर लें, 4 दफ़ा 6 दफ़ा, यानी छोटे छोटे स्मॉल मील्स ले लें, एक वक्त में पेट भर कर ना खाएं। दूसरा ये कि जिस तरह कुछ लोग चाय पीते वक्त आवाज़ निकालते हैं, तो बहुत सारी हवा जो पेट में है वो है जो कि हम खाना खाते वक्त साथ ले जाते हैं। इसी तरह स्ट्रॉ के साथ हम पीते हैं तो हम हवा को पहले खींचते हैं, तो आप ऐसे कम करें। खाना खाते वक्त बातें कम करें, बातें करने से, या यह है कि लंबा खींच के खाने से जो है या पीने से हवा अंदर जाती है, ये ज़्यादातर तो हमारी अपनी हवा होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हज़म नहीं हो रही हैं और फिर वो इस तरह पेट में का अफारा जिसे कहते हैं, फिर लोग इसको को रिलेट करते हैं कि जी मेरे दिमाग को चढ़ गया या मेरा दिल धड़कना शुरू हो गया, ये ऐसा नहीं है। लेकिन हो सकता है कि प्राइमरी बीमारी जो उनको पहले से हो वो ज़्यादा नुमाया हो जाए, एक डिस्कम्फर्ट की फीलिंग ज़्यादा हो जाती है। तो हमने ये करना है कि कुछ ऐसे हर्बल चीज़ें हैं जो हम अगर ऐड कर लें, लाइक अदरक हाजमे को बहुत बढ़ाता है, आप सौंफ उसके बाद चबा सकते हो जिसके साथ आपको बेहतरी हो सकती है, और साथ यह है कि आप बहुत लेट नाइट ना खाओ, और दूसरा यह है कि चलते फिरते रहो, जिसे कहते हैं कि कीप स्माइलिंग, कीप मूविंग, आप चलते फिरते रहो तो खाना अच्छी तरह हज़म होता है।
फिर याद रखिए कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिस तरह हम कब्ज दूर करने के लिए लैक्टुलोज लेते हैं, ये भी फ्लेटर्स यानी गैस, क्योंकि ये पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता, पूरे तरीके से ये जो है डिवाइड नहीं होता, तो ये गैस करता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं लाइक अगर आपको पित्त की तकलीफ़ है या पैनक्रियास की तकलीफ़ है तो भी आपका गैस ज़्यादा होगी। मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है लाइक सीलिएक डिजीज़ है, उसमें खाना पूरी तरह हज़म नहीं हो रहा है तो भी आपकी गैस बनेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है लेकिन अगर आपको तंग कर रही है, आप इससे बुखार होने लग पड़ा है या, तो फिर इसका मतलब है कि आप डॉक्टर से रजू भी करेंगे और हो सकता है कि हमें इसके लिए जो है कुछ और टेस्ट भी करवाने पड़ेंगे। लेकिन ज़्यादा यही है कि थोड़ा खाएं और हिलते जुलते रहें, एक्सरसाइज और पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।